बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरीके से वायरस अगर आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो आप अपने कंप्यूटर को वायरस के आने से बचा सकते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है डेटा सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी वायलेशन। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने वायरस के बारे में पढ़ा था कि वायरस को आपके कंप्यूटर में एंटर करवाने का मेन मकसद होता है आपके कंप्यूटर में मौजूद इम्पोर्टेंट डेटा को नुकसान पहुंचाना। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने डेटा को सिक्योर बना सकते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो डेटा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप उस बिजनेस से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो इकट्ठा करेंगे। अगर क्लॉथिंग के बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो पहले अलग अलग कपड़ों के बारे में मालूमात इकट्ठा करेंगे, फिर कहां से खरीदना है, कैसे बनाना है, कहां बेचना है, और आप जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके कॉम्पिटिटर्स की मालूमात भी इकट्ठा करेंगे कि वो किस तरह अपनी कंपनीज को मैनेज कर रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये मालूमात का इकट्ठा करना ही दरअसल कहलाता है डेटा। अब आपने बहुत सा डेटा जमा कर लिया अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और अचानक से वो डेटा डैमेज हो जाए, यानी खराब हो जाए, कहीं उड़ जाए, चोरी हो जाए, तो यकीनन आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बताने का मकसद ये हुआ कि किसी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फीचर उसका डेटा ही होता है। और ये देखें, द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेनिंग द डेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डेटा। यानी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी डेटा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उस डेटा को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपका डेटा किसी रूम में रखा हुआ है या किसी कंप्यूटर में पड़ा हुआ है या किसी डिस्क वगैरह पर स्टोर हुआ हुआ है तो उसे आप किसी भी बंद कमरे में रखकर सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अब हमारी लाइफ डिजिटल बनती जा रही है, यानी अब इंटरनेट का जमाना आ गया है और हमारा काम, हमारी पसंद नापसंद सब इंटरनेट पर शेयर की जाती है। क्योंकि इंटरनेट एक ओपन नेटवर्क है तो दुनिया में कहीं से भी लोग इस नेटवर्क में दाखिल हो सकते हैं और आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा पहले आप सिर्फ अपने कंट्री में बिजनेस कर रहे थे तो उस बिजनेस को आपको संभालना भी आसान था, लेकिन जैसे ही आपने अपने बिजनेस को इंटरनेशनल किया, यानी अपने बिजनेस के साथ ऑनलाइन कवर्ड इस्तेमाल कर लिया, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उस बिजनेस को संभालने के लिए भी फास्ट स्पीड कंप्यूटर्स और नेटवर्क की जरूरत पेश आ गई। तो डियर फ्रेंड्स, अब तमाम ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इंटरनेट के मरहूने मिन्नत है, यानी उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जरूरी हो जाता है कि अपने डेटा को प्राइवेट से पब्लिक करना, और ना सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को ऑनलाइन करना बल्कि अपने कस्टमर्स का डेटा भी इंटरनेट के थ्रू ही स्टोर करवाना। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक अगर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो आप वहां अपने सिग्नेचर्स, पासवर्ड्स, हत्ता कि बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी बैंक्स को ऑनलाइन प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरह अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम और ऑनलाइन रिजल्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है तो यहाँ भी वो रिजल्ट आपका पर्सनल डाटा है और आप कभी नहीं चाहेंगे कि हर किसी को आपका वो डाटा शेयर हो। इसी तरह अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है और उसकी रिपोर्ट्स ऑनलाइन डॉक्टर्स को भेजनी है तो उस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि वो उस पेशेंट के डाटा को पर्सनल रखें। तो डियर फ्रेंड्स, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है कि आप अपनी इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स, रिजल्ट्स, हत्ता कि अपनी बीमारी का डाटा भी इंटरनेट पर डालने के लिए राजी हो जाते हैं, जबकि आपको पता है कि इंटरनेट एक ओपन नेटवर्क है, ये कोई प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, ये एक ओपन नेटवर्क है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी इस पर अपना डाटा डाल सकता है। तो दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल हुआ है? तो डियर फ्रेंड्स, ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ एक टर्म की बदौलत और वो है डेटा सिक्योरिटी। और क्योंकि आपको ये पता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप अपना पर्सनल डेटा फराहम कर रहे हैं वो आपको 100% डेटा सिक्योरिटी भी फराहम करेगी, तभी आप उसको अपना डेटा देंगे। तो फ्रेंड्स, इससे हमें ये पता लगा कि डेटा सिक्योरिटी या डेटा प्रोटेक्शन का लफ्ज सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और ये डेटा सिक्योरिटी है कि मिलियंस ऑफ पीपल इंटरनेट पर आपस में कनेक्ट हैं
ऑनलाइन खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर रहे हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर शेयर कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब आपको डेटा सिक्योरिटी का लफ्ज अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से अनासिर हैं जो आपके डेटा की सिक्योरिटी को वायलेट कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला अनासिर है, नंबर वन इज समवन मे ब्रेक इनटू द कंप्यूटर रूम्स एंड टेक अवे ऑल स्टोरेज डिवाइसेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका डाटा इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, आपने किसी रूम में डाटा रखा हुआ है, किसी डिस्क पर डाटा स्टोर किया हुआ है, किसी फाइल्स में डाटा रखा हुआ है, तो हो सकता है कोई आपके रूम को अनलॉक करके वो सारा डाटा, वो फाइल्स या डिस्क वगैरह चुरा लें। यानी आपके रूम में खुद से जाकर रिसोर्सेस को उठाकर ले जाएं जिन रिसोर्सेज में डाटा पड़ा हुआ है। तो ये एक डाटा को वॉलेट करने की, सिक्योरिटी को वॉलेट करने का तरीकेकार है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अनऑथराइज्ड यूजर मे एक्सेस टू पर्सनल डाटा ऑफ समवन एंड देन यूज इट टू गेन सम एडवांटेज। यानी कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर, यानी ऐसा बंदा जो किसी भी नाजायज तरीके से आपके पर्सनल डाटा तक रसाई हासिल कर ले ताकि उसे आपके डाटा के जरिए किसी भी किस्म का कोई फायदा हासिल हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी का डाटा किसी कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, तो दूसरी कंपनी का बंदा छुपके से आपके कंप्यूटर में मौजूद प्राइवेट डाटा को देख ले। इसी तरह अगर आपका क्रेडिट कार्ड नंबर किसी को पता लग जाए जिसके जरिए वो आपके बिहाफ पर शॉपिंग कर सकता है। यानी पहले पॉइंट में तो वो अनऑथराइज्ड यूजर आपकी डिवाइसेस को ही लेकर चला गया था जिसमें डाटा पड़ा हुआ था, लेकिन इस पॉइंट में वो डाटा को लेकर नहीं जा रहा बल्कि सिर्फ देख रहा है कि डाटा है क्या, ताकि उस डाटा के जरिए अपना फायदा कर सके। और इस पॉइंट के जरिए आपको भी नहीं पता लगेगा कि आपका डाटा चोरी हो रहा है या देखा जा रहा है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, एन अनऑथराइज्ड यूजर मे यूज एन ऑनलाइन मेल सर्वर। दोस्तों याद रखिए, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ईमेल के थ्रू ही आपस में कम्युनिकेट करती हैं और अक्सर उन कम्युनिकेशंस में कोई इम्पोर्टेंट डाटा भी हो सकता है। तो अगर आपने किसी वायरस वाली ईमेल पर क्लिक कर दिया जो कि किसी अनऑथराइज्ड यूजर ने आपको भेजी है, तो होगा क्या, उस क्लिक करने की बदौलत वो वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाएगा और वो यूजर आपके पर्सनल मैसेजेस को भी उस वायरसेस के थ्रू एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा ये पॉइंट, जो अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, काफी दफा हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि समवन कैन सेंड अ वायरस ऑन टू अ नेटवर्क कॉजिंग द नेटवर्क टू बिकम वेरी स्लो एंड अनअवेलेबल। यानी कोई इस तरह भी कर सकता है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका अपना एक नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क पर ऐसा वायरस डाल दे कि वो वायरस अपनी इतनी सारी कॉपीज जनरेट करे कि आपका नेटवर्क ही डाउन हो जाए। यानी अब कोई भी उस नेटवर्क पर डाटा एक्सचेंज नहीं कर सकता। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कभी भी व्हाट्सएप या फेसबुक का सर्वर डाउन होता है तो आपके मैसेजेस सेंड नहीं हो पाते, क्योंकि उस वायरस ने नेटवर्क के तमाम स्पेस को घेर लिया होता है। और दोस्तों, इस पॉइंट के बाद जो अगला पॉइंट है कि दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं मनी, यानी आपका पैसा जो कि आप अक्सर बैंक्स में रखते हैं। तो अगर सम यूजर मे गेन एक्सेस टू बैंक अकाउंट्स, यानी किसी को आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन पता लग जाए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पता लग जाए, तो वो इजीली आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकता है। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिस तरह वो अनऑथराइज्ड यूजर आपके नेटवर्क को बिजी कर सकता है, इसी तरह आपके कंप्यूटर को भी कर सकता है। जैसे अक्सर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं और अचानक से कोई कंपनी की यूजलेस मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि वो आते चले जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके पास किसी और के मैसेजेस नहीं आ सकेंगे। यानी किसी अनऑथराइज्ड यूजर के हैवी ट्रैफिक जनरेट करने की वजह से आप ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए भी अनअवेलेबल हो जाएंगे। तो ये टर्म कहलाती है डेनियल ऑफ सर्विस सिचुएशन। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा कि डेटा सिक्योरिटी का फीचर कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो कौन कौन से तरीकेकार होते हैं जिनके जरिए किसी भी डेटा की सिक्योरिटी को वॉयलेट किया जाता है, किसी भी डेटा की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया जाता है। दोस्तों, अगले लेक्चर में हम कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने डेटा सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा है और अगले लेक्चर में हम कंप्यूटर सिक्योरिटी को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।